भाजपा अध्यक्ष एवं समस्त सामान्य वर्ग के जगदेव सिंह की अध्यक्षता में एक ज्ञापन एसडीएम नूरपुर को दिया। जगदेव सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े ऐतिहासिक फैसले में एससी व एसटी कानून में संशोधन करके सामान्य व पिछड़ा वर्ग को बड़ी राहत प्रदान की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये महसूस किया कि इस कानून का बहुत दुरुपयोग हो रहा था व इससे सामान्य व पिछड़ा वर्ग को काफी नुकसानों का सामना करना पड़ रहा था। अब वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो फिर से इस कानून को बड़े प्रावधानों के साथ लागू करने जा रही है, जिससे इस कानून के दुरुपयोग की संभावनाएं फिर से बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले भी इस कानून के अंतर्गत झूठे केस दर्ज होते रहे हैं। भाजपा के उपाध्यक्ष जगदेव सिंह की अध्यक्षता में एक ज्ञापन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को एसडीएम नूरपुर के माध्यम से सौंपा गया। तो ज्ञापन दिया जा रहा है, ये केंद्र सरकार के विरोध में दिया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें एससी एसटी एक्ट में बदलाव किया गया था, जिससे सामान्य वर्ग ने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी कोर्ट में। पहले कई वर्ष ये उच्च न्यायालय में चलता रहा, बाद में कई वर्ष ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। उसके बाद जो सामान्य वर्ग के लोगों को जो एक सुप्रीम कोर्ट ने मरहम लगाया था, वो भी जो है हमारे जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उससे जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और वो फिर उस कानून में दोबारा कड़े प्रावधानों के साथ संशोधन कर रहे हैं। और वो खुद ही कह रहे हैं इस बात को कि सिर्फ आज तक 16% लोगों को इस कानून के तहत सजा हुई है, और वो खुद ही मानते हैं कि इसमें 84% जो मुकदमे हैं वो झूठे होते हैं। अगर मुकदमे झूठे होते हैं तो फिर इस कानून को क्यों, इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को क्यों बदला जा रहा है? क्या हम इस सामान्य वर्ग के लोग इस देश के नागरिक नहीं है? हम क्या हमें मत देने, हम भी मत देते हैं? हम क्या इस देश के नागरिक नहीं है जो हमारे साथ ऐसे अत्याचार किया जा रहा है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम आने वाले चुनाव में जो है सभी पार्टियों का बहिष्कार करेंगे, उसी पार्टी को हम अपना वोट देंगे जो इसमें इस मुद्दे पे हमारा साथ देगी। और मेरे सभी सामान्य वर्ग के पूरे प्रदेश के लोगों के साथ ये निवेदन है कि वो इस मुद्दे पे उठें, बाहर आएं और अपने तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से जो है इसका विरोध करें।